नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन। की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि गृह मंत्री का मेघालय और असम का दौरा है। और अमित शाह का मेघालय असम का दौरा 24 से 25 जुलाई को करेंगे मेघालय असम का दौरा। आपको बता दें इस वक्त बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री 24 और 25 को जुलाई को करेंगे मेघालय और असम का दौरा। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक भी करेंगे और 24 जुलाई को शिलांग में बैठक करेंगे अमित शाह। और वहीं पूर्वोत्तर को कई विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा है, जहां पर मेघालय और असम का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस दौरे में पूर्वोत्तर के कई सीएमओ से करेंगे मुलाकात और पूर्वोत्तर को कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। और 24 से 25 जुलाई को करेंगे मेघालय का दौरा गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के सीएम के साथ करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 24 जुलाई को शिलांग में बैठक करेंगे अमित शाह। इस वक्त पूर्वोत्तर को विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। वहीं बहराइच में पति ने पत्नी की हत्या की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पति ने पत्नी का गला रेतकर हत्या की है और घर में ही धारदार हथियार से गला रेता गया और बचाने आए छोटे भाई से भी की गई मारपीट। पुलिस ने आरोपी पति को किया अरेस्ट। आपको बता दें कोतवाली नानपारा के बंजरिया की यह घटना है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्या की निर्मम हत्या कर दी है। और आपको बता दें गला रेतकर हत्या की गई है और उसमें आरोपी का छोटा भाई बचाने गया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। और आपको बता दें कोतवाली नानपारा के बंजरी का एक मामला है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बहराइच में पति ने पत्नी की हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पति ने पत्नी का गला रेत कर की है हत्या और इसी बीच जब आरोपी का भाई बचाने आया घर तो उसे भी मारा पीटा गया और घर में ही धारदार हथियार से गला रेता गया और बचाने आए छोटे भाई से भी मारपीट की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें नानपुरा के बंजरिया की यह घटना है और कोतवाली नानपारा के बंजरिया की यह मामला है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उस बीच जब छोटा भाई बचाने आया उससे भी आरोपी ने मारपीट की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं एक और बड़ी निकलकर खबर सामने आ रही है, जो कि अलीगढ़ से। अलीगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक में टकराई और बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। और होटल से खाना लेने जा रहे थे 3 युवक और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और आपको बता दें जवा थाना इलाके के छेरत का यह मामला है। आप इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर और ये जवां थाना इलाके छेरत का ये मामला है, जहां पर अलीगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। वहीं तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक में टकराई जिससे 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। को बता दें बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आपको बता दें होटल से खाना लेने जा रहे थे 3 युवक और लेकिन वो इस हादसे का शिकार हो गए। और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शवों को अपने
अंडा लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमा थाना इलाके छेरत का ये मामला है। महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई के अलावा सांगली, अकोला, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राज्य की कई नदियां भी उफान पर है। स्थानीय प्रशासन की टीमों के अलावा वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत और बचाव के लिए उतारा गया है। और वहीं भारी बारिश के कारण कई रूटों पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। और वहीं पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। ठाकरे से चर्चा के बाद मोदी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई। हालात को सुधारने के लिए केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। सभी की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं। बाढ़ के मद्देनजर एनडीआरएफ ने चिखली गांव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। और वहीं रायगढ़ के जिला कलेक्टर ने कहा है कि कलाई गांव में भूस्खलन की खबर सामने आई है और इसमें कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इसकी अभी कोई खबर सामने नहीं आई। और वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि रत्नगिरी और रायगढ़ में राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना और नौसेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। और वहीं भारी बारिश के चलते पुणे के भीमाशंकर मंदिर के आसपास भी बाढ़ का नजारा है। यह मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कोरोना संक्रमण और इससे ग्रस्त मरीजों की चिकित्सा स्थिति को लेकर नई नई चुनौतियां देखने को मिल रही है। अब कोरोना मरीजों के लीवर में पस पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक ऐसे 14 मामले मिल चुके हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की पहचान हुई और साथ ही इनके लीवर में पस पड़ गया। और सर्जरी की नौबत तक आई। नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल ने इन सभी मामलों की पुष्टि की है। और इससे पहले देश में कोरोना संक्रमित मरीजों में फंगस के मामले भी सबसे पहले इसी अस्पताल में सामने आए थे। डॉक्टरों के अनुसार लीवर में पस से भरा हुआ फोड़ा आमतौर पर एंटेम्बिया हिस्टोलिटिका नामक परजीव के कारण होता है जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। अस्पताल में ऐसे 14 मामले सामने आए हैं जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। इस मरीज के पेट में 19 सेंटीमीटर के आकार का फोड़ा था जो अस्पताल पहुंचने तक फट चुका था और पेट में पस फैल गया। अस्पताल के प्रोफेसर अनिल अरोड़ा ने बताया कि कोविड से 22 दिन के अंदर ठीक होने के बाद जो प्रतिरक्षात्मक थे उनके लीवर के दोनों हिस्से बहुत ज़्यादा पस से भरे हुए थे जिन्हें तुरंत ड्रेनेज और अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता थी। और इन मरीजों की आयु 28 से 74 वर्ष के बीच में है। संक्रमण के दौरान और पोस्ट कोविड दोनों ही स्थिति में ऐसे मामले मिल रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों में 10 पुरुष और 4 महिलाएं थीं और इन सभी को बुखार, पेट दर्द के लक्षण थे जबकि कुछ में काले रंग के मल के साथ रक्तस्राव भी देखा गया। इन 14 में से 8 मरीजों को कोविड-19 लक्षणों के प्रबंधन के लिए स्टेराइड प्राप्त हुए। 6 मरीजों में लीवर के दोनों तरफ कई बड़े फोड़े थे जिनमें से 5 मरीजों में इनका आकार 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा था। एक मरीज में 19 सेंटीमीटर तक का फोड़ा देखने को मिला। डॉक्टरों के अनुसार मल के रास्ते खून आने वाले 3 मरीजों ने बड़ी आंत में अल्सर मिला जो कोलोनोस्कोपी द्वारा पता लगाया गया था। फिलहाल राहत की खबर है कि 13 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है जबकि बड़े फोड़े वाले एक रोगी के पेट में पस फैलने से मौत हो गई। वहीं इस वक्त बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू आज संभालेंगे कार्यभार।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का संभालेंगे कार्यभार। पंजाब के सभी कांग्रेस सांसद समारोह में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार संभालेंगे। आपको बता दें और आज नवजोत सिंह सिद्धू संभालेंगे कार्यभार और कांग्रेस के बड़े विधायक और बड़े सांसद इस समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का संभालेंगे पदभार और पंजाब के सभी कांग्रेस सांसद इसमें होंगे शामिल। और वहीं इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो आएंगे या नहीं, लेकिन इसका भी रास्ता साफ हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस समारोह में होंगे शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आज पदभार संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब के सभी कांग्रेस सांसद इसमें होंगे शामिल और आज सिद्धू संभालेंगे कार्यभार। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू और इसमें पंजाब के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होंगे। अब वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आज अयोध्या से बीएसपी का चुनावी शंखनाद, प्रबुद्ध समाज का सम्मान, तरक्की संगोष्ठी। आज देवकाली के एक निजी होटल में होगा कार्यक्रम। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा करेंगे संबोधित। और आपको बता दें 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। अब बीएसपी के मंच पर ब्राह्मणों को लाने की कोशिश, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बीएसपी के मंच पर ब्राह्मणों को लाने की कोशिश की जा रही है। और आज अयोध्या से बीएसपी का चुनावी शंखनाद है। आपको बता दें इस वक्त बड़ी और अहम खबर, जहां पर प्रबुद्ध समाज का सम्मान, तरक्की संगोष्ठी। आज देवकाली के एक निजी होटल में यह होगा कार्यक्रम। आपको बता दें देवकाली के एक निजी होटल में यह कार्यक्रम रखा गया है और बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा करेंगे संबोधित। और आपको बता दें करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सतीश चंद्र मिश्रा और इसके बाद वो संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। और बीएसपी के मंच पर ब्राह्मणों को लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद आज अयोध्या से बीएसपी का चुनावी शंखनाद है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रबुद्ध समाज का सम्मान, तरक्की संगोष्ठी। आज देवकाली के एक निजी होटल में होगा ये कार्यक्रम। आपको बता दें और 12 बजे सतीश मिश्रा पहुंचेंगे अयोध्या। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा करेंगे संबोधित और 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। बता दें बीएसपी के मंच पर ब्राह्मणों को लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बड़ी और अहम खबर, जहां पर आज अयोध्या से बीएसपी का चुनावी शंखनाद है। प्रबुद्ध समाज का सम्मान, तरक्की संगोष्ठी। आज यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टियां अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगी है। उसके बाद अब बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा आज करेंगे संबोधित और चुनावी शंखनाद आज और करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। और आपको बता दें ब्राह्मणों को मंच पर लाने की कोशिश है बीएसपी की, जो कि एक चुनावी स्टंट के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रभु समाज का सम्मान, तरक्की संगोष्ठी। आज देवकाली के एक निजी होटल में होगा ये कार्यक्रम। और वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मीडिया संस्थानों पर आईटी के छापे का विरोध किया जाएगा। और आईटी के छापे के विरोध में
आप करेगी प्रदर्शन, पूरे प्रदेश भर में आम आदमी करेगी प्रदर्शन और प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन और वहीं जिला मुख्यालय पर आप कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। आयकर विभाग की छापेमारी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मीडिया पर आईटी विभाग की छापेमारी के विरोध में आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। आयकर विभाग की छापेमारी के विरोध में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मीडिया संस्थानों पर आईटी के छापे के विरोध में आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी करेगी धरना प्रदर्शन। और आपको बता दें प्रदेश भर में आप कार्यकर्ता भी करेंगे विरोध। जिला मुख्यालयों पर आप करेगी प्रदर्शन और वहीं कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन संसद की तरह होगा। सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों को जंतर मंतर पहुंचाना शुरू हो चुका है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंगू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही अलग अलग इलाकों से किसानों का दिल्ली पहुंचना भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी विचित्र बात सामने आई। राकेश टिकैत ने विपक्ष से ये अपील की कि वह संसद में किसानों का साथ दें तो किसान बाहर विपक्ष का साथ देंगे और बंगाल की तस्वीर तो आपको याद ही होगी राकेश टिकैत की। और अब किसान कह रहे हैं कि उनका अगला निशाना यूपी है। अब ऐसे में सवाल ये कि यह आंदोलन किसान बिल के विरोध में हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव गुरुवार को शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किसान संसद की शुरुआत हो चुकी है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मॉनसून सत्र जारी रहेगा वह हर रोज यहां पर ऐसी किसान संसद लगाएंगे। आपको बताते चले कि गुरुवार सुबह सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी। जंतर मंतर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे, विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना ही चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद योगेंद्र यादव ने कहा पुलिस द्वारा एक बार फिर बसों की चेकिंग की जा रही है जिसकी वजह से किसानों को जंतर मंतर पर पहुंचने में बहुत देरी हो रही थी। तो वहीं अन्य किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस और सरकार बार बार अपने वादे से मुकर जाती है, किसानों को रास्ते में परेशान किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पहले भी बात करते आए हैं, मोदी सरकार किसान हितैषी है ना कि किसान विरोधी। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही अलग अलग इलाकों से किसानों का दिल्ली पहुंचना भी शुरू हो चुका है। किसानों का बड़ा जत्था बसों से जंतर मंतर पहुंच रहा है। किसान यहां पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अब अपनी संसद लगाएंगे। किसान नेता प्रेम सिंह भांगू का कहना है कि हमारा अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश है। 5 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। हम बीजेपी को अलग थलग करना चाहते हैं। 3 कृषि कानून वापस लेने के अलावा बीजेपी के पास और कोई रास्ता ही नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई व्यापक हिंसा के बावजूद आज से किसानों को दिल्ली में संसद के बगल में मौजूद जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से कई शर्तें मनवाई, तभी किसानों को प्रदर्शन करने की इजाजत
जंतर मंतर पर दी गई, जैसे कि किसान हर रोज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। सिंह बॉर्डर पर इकट्ठा होकर 200 किसान एक साथ लगभग 5 बसों में भरकर जंतर मंतर की तरफ 10 बजे रवाना होंगे। सिंह बॉर्डर के अलावा किसी भी बॉर्डर से किसानों का कोई भी मोर्चा जंतर मंतर की ओर नहीं जाएगा। किसानों के साथ साथ पुलिस भी सिंह बॉर्डर से जंतर मंतर तक जाएगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। लगभग 40 संगठनों के 5-5 किसान संसद में हर रोज शामिल होंगे। उन्हीं 5 किसानों में से एक को मॉनिटर बनाया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की परिस्थिति में उसे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो किसान प्रदर्शन में शामिल होंगे उनकी पहचान पहले से ही सुनिश्चित की जाएगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जगह सुनिश्चित की जाएगी और यहाँ सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही किसान संसद चलेगी। जंतर मंतर पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे की भी नजर होगी ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां प्रदर्शन में शामिल ना हो सके। 5 बजे शाम प्रदर्शन समाप्त होने के बाद फिर से उन्हीं बसों में भरकर किसान दोबारा सिंह बॉर्डर पहुंच जाएंगे। किसान प्रदर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करेंगे। किसान संसद में मंच संचालित होगा और ये संचालन प्रदर्शन में शामिल हो रहे किसान ही करेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों को चिंता इसी बात की थी कि जंतर मंतर के बहाने कोई गड़बड़ी ना हो, तभी सभी शामिल होने वाले किसानों पर कड़ी पहरेदारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी साजिश को लेकर आईबी ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। कहा गया है कि खालिस्तानी माहौल खराब करने के लिए बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसमें सिख फॉर जस्टिस को लेकर कहा गया है कि उसके प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कई वीडियो और ऑडियो मैसेज के जरिए 22 जुलाई को संसद के घेराव के लिए उकसाया है लोगों को। पन्नू ने अपने मैसेज में पंजाब के नौजवानों को दिल्ली कूच करने के लिए कहा, साथ ही संसद पर कब्जा करने के लिए उन्हें उकसाया। उन्हें कृपाण और केसरी झंडे के साथ दिल्ली कूच के लिए कहा गया है। अलर्ट को आईबी ने दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा बलों के साथ साझा भी कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसान 13 अगस्त तक, मतलब जब तक मानसून सत्र चलेगा, तब तक जंतर मंतर पर किसान संसद चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, सब कुछ संसद जैसा होगा। एक स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, टी ब्रेक होगा, सब काम संसद जैसा ही होगा। इसमें किसान कृषि पर बात कर सकेंगे। किसान संसद को लेकर सबसे बड़ा डर यही है कि स्थिति 26 जनवरी जैसी ना हो जाए। तब पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च की इजाजत जरूर दी थी, लेकिन जिन रूट्स पर इजाजत नहीं दी गई थी वहां भी प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और फिर लाल किले पर जो हुआ वह सबको हमेशा याद रहेगा। अब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहना चाहती है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बुधवार को एक आदेश जारी किया गया। इसमें पुलिस फोर्स को सुबह 8 बजे से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। पुलिस की दूसरी ब्रांच को भी खाकी वर्दी के साथ स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया। बाकी स्टाफ को भी स्टैंड बाय और फोन ऑन रखने का ऑर्डर दिया गया। दंगा रोधी गियर भी तैयार रखने के लिए कह दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसान 26 नवंबर से दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 दौर की बातचीत किसानों और केंद्र के नेताओं के बीच में हो चुकी है, लेकिन अभी तक यह आंदोलन किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका। राकेश टिकैत ने विपक्ष से अपील की है कि वो संसद में उनका साथ दें तो बाहर किसान विपक्ष का साथ देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 12 दौर की वार्ता किसानों के साथ केंद्र की कब होती है। स्पेशल डेस्क, I don't know.